पूरे शहर में आग लगी है, पता है ना? जलाया तो आपने है ना? आई नेवर से दैट। कानून को कायम करना है, कुछ भी कदम उठाया गलत है क्या? आपकी वजह से गरीब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बीच सड़क पर होटल चलाते हैं, फूल बेचते हैं, भाजी बेचते हैं, उससे आवाम को कितनी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। रास्ते में खाना बेचने वाला, फूल भाजी बेचने वाला, ये आवाम है। 100 करोड़ लोग लड़कर ही जी सकते हैं। तो फिर मैं क्या करूं? धंधे को खत्म मत करो, झूठा केस मत बनाओ। कहाँ पर दुकान चलानी चाहिए, कहाँ पर धंधा चलाना चाहिए, इसके लिए एक रूल होता है। आपके रूल के हिसाब से 1 लाख एडवांस देने का और ऊपर से 1000 रुपए भाड़े का। तो फिर बीच सड़क में गुंडागर्दी करेंगे, तुम इस मामले में मत पड़ो। क्यों? उनकी मदद तुम कर सकते हो ना? बैंक में जामीन से दस्तखत करके पैसा दो, वो धंधा करेंगे। हम सबके लिए दस्तखत करते बैठे हैं क्या? ये हमारा मसला नहीं है। तो उनके नसीब के साथ तुम कुछ मत करो, समझे? तुम्हें यहाँ फैसला सुनाने के लिए नहीं बुलाया। दिस इज कमिश्नर ऑफिस। इसलिए तहजीब से बात कर रहा हूँ। तुम क्यों नहीं बात करोगे? बोझा उठाने वाले, रिक्शा चलाने वाले सब तुम्हारे साथ जो हैं। हाँ, मेरे पीछे खड़े सारे लोग मेहनती हैं, सच बोलने वाले हैं, लोगों का भला करने की सोचने वाले हैं। गलती से भी जुर्म नहीं करते हैं ये लोग, दूसरे के पैसों की हवस नहीं है, धंधे में जान देने वाले, परेशानी में मुस्कुराने वाले। ये गरीब चोरी नहीं करते, अनपढ़ है पर ईमानदार है, ये जान लेना। ये सब जानने की जरूरत नहीं, इस फसाद की वजह तुम्हारे लोग हैं। ये साबित करने के लिए मैं कोई भी कदम उठा सकता हूँ। कदम 307 कत्ल का मसला 3 साल, आदमी को उठाना 363 7 साल, बलात्कार करना 376 10 साल। ऐसे कुछ भी मामला बनाकर आप लोग ही कागज तैयार करते हैं ना? ये आप करो या किसी और की बात मानकर करो, एक बात जहन में बैठा लो। आप जो तनख्वाह लेते हो वो बोरी उठाने वाले का पसीना, मजदूरी करने वाले की चीख, मेहनत करने वाले का खून है। इंसाफ करो। तुम जैसे लोगों पर केस करने के लिए कागज बर्बाद करने की जगह गोली मारनी चाहिए और केस खत्म। क्यों धमकी दे रहे हो? गांधी जी को खौफ होता तो आजादी नहीं मिलती। अगर भगत सिंह को फांसी का खौफ होता तो हमें आजादी मिलती क्या? मुझे किसी का खौफ नहीं है कमिश्नर साहब, जिन्हें खौफ है उनसे कहिए। कमिश्नर साहब, हम सब घासलेट में जलते दिए हैं पर पहाड़ी के ऊपर रहते हैं, बुझाने की गलती मत करना, जलकर खाक हो जाओगे। कमिश्नर सर, जब तक हमें जवाब नहीं मिलता हम कहीं नहीं जाएंगे। हां जवाब दो भाई। हां कमिश्नर सर, कमिश्नर। हां प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? उस तरफ। तुम यूनिवर्सिटी में अव्वल आओगी ऐसा हमने तो सोचा था, तुमने सोचा था कि नहीं? पता नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी में आज तक इतने अच्छे मार्क्स लेकर कोई भी पास नहीं हुआ है। मुझे तुम पर नाज है, तुमसे ज्यादा तुम्हें जिसने पढ़ाया है उसका ये कॉलेज शुक्रगुजार है। तुम गरीब परिवार से हो, फिर भी तुमसे कह रही हूँ, इतने ज्यादा मार्क्स लेने के बावजूद 5,000 या 10,000 वाली नौकरी करने से बेहतर है थोड़ी सी मेहनत करके पैसे खर्च करके US में हायर एजुकेशन के लिए चली जाओ, तुम्हें वहाँ अच्छी पोस्ट की नौकरी भी मिल जाएगी। नहीं, मैंने इतनी तालीम हासिल कर ली, इतना ही काफी है मेरे लिए, इससे ज्यादा मैं पापा और परिवार वालों को तकलीफ नहीं दूंगी। आप समझ रही हैं ना मैम, फॉरेन जाने के लिए वक्त बहुत कम है। तुम अपने पिता से बात करके जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर दो, बाकी सब मैं देख लूंगी। एक काम करो, बगल में ही अलीबाग है, वहीं जाके शिफ्ट हो जाओ, किसी और को तलाश लूंगा मैं। सर तो बताइए क्या करूं? एनकाउंटर, यही एक रास्ता है, उड़ा दो। अगर तुमसे ना हो तो सरकारी बंदूक मुझे दे दो, मैं कर दूंगा। क्यों, क्या हुआ, खौफ हुई? सोच लिया, एनकाउंटर कर दूंगा। रेड, क्या सोचा अमेरिका के बारे सोचना में? सोचना क्या है, फैसला ले लिया है, अब सोचना नहीं है। वो कल थोड़ी ना जाने वाली है,
दस दिन बाद भी जा सकती है ना, तब तक हमें कोई इंतजाम करना होगा। बात वो नहीं है, जैसा सोचते हो वैसा नहीं है, सब जा रहे हैं। वो क्यों नहीं जाएगी? पढ़ने वाली है, पढ़ाई की ख्वाहिश है, कुछ और तो नहीं मांगा ना? एनकाउंटर की वजह से सभी ने हाथ उठा लिए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? इस घर को बांधा उसे बेचना। अरे अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? वो तुम्हारी जिंदगी है, पैसों के लिए तुम उसे बेच रहे हो। भैया, घर बेचकर पैसे लेकर आओ। और सुन, नारायण को कल मंडप के पीछे बुलाओ। आप एक बार फिर से। अरे जाना यार, तू कुछ भी पूछता है, जब देखो तब सफाई मांगता रहता है। चल जा। ये लो पैसे, तुमने कहीं से कर्जा लिया कहकर लड़की को अमेरिका भेजने की तैयारी करो। नहीं नहीं रेड। लो पकड़ो। अरे नहीं नहीं, ले लो नारायण। अरे मैंने कहा ना ले लो। रेड, आज मेरा परिवार दो निवाले खा रहा है, तो वो तुम्हारी वजह से। अब बस हुआ रेड, तुमने मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। नहीं नारायण, बात को समझो, उसकी ख्वाहिश है अमेरिका जाकर पढ़ने की, पढ़ेगी तो बहुत बड़ी बन जाएगी। और कितनी बड़ी बनेगी, अब बड़ी बनने की जरूरत नहीं है। देखो रेड, उसे जितना पढ़ना था उतना वो पढ़ चुकी है। इस नारायण की बेटी ने 10 गुना ज्यादा हासिल कर लिया है, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तुमसे शादी करके अपना आशिया बनाए यही काफी। भैया आप समझाओ ना। चुप रहो रेड, ये क्या कहेगा? देखो तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम उससे मोहब्बत करते हो, तुम उसे उठाकर मंदिर ले जाकर शादी कर सकते थे ना उससे। तुम ऐसा करते तो तुमसे कौन सवाल करता बताओ? तुमने हमें इज्जत दी है, हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम समझते क्यों नहीं? खुदा हो तुम हमारे। ये लो और लेकर जाओ। इतना क्यों दे रहे हो? 1 रुपया दे दो पीने लाने के लिए। पुलिस की बंदूक की एक के गोली पर मेरा नाम लिखा है, वो लोग कभी भी मुझे मार सकते हैं। ऐसी हालत में तुम कह रहे हो कि मैं शादी कर लूं? अरे कैसे कर सकता हूं मैं शादी? फालतू की बात कर रहे हो तुम। देखो मेरी बात सुनो, जाओ यहां से, जाओ ना। रेड मेरी बात सुनो, उसे अमेरिका नहीं चाहिए। रेड मेरी बात सुनो रेड। अरे क्या देख रहे हो, कुछ तो कहो ना। रेड नहीं रेड, कुछ तो कहो ना तुम। रेड मेरी बात सुनो रेड, उसे अमेरिका सब नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो रेड। रेड नहीं रेड। ए कुछ तो कहो ना इसे, ऐसे अच्छे इंसान को मरने मत दो। रेड मेरी बात सुनो रेड। नहीं रेड, रेड रुक जाओ रेड। रेड ऐसे मत जाओ रेड। रेड मेरी बात सुनो, कोई तो रोको इसे। रेड आनंद सर, इस हफ्ते का मैटर प्रिंट हो गया? कल हो जाएगा सर। आदि की पूर्णिमा से मुलाकात कैसे हुई? कैसे हुई? उसने क्या कहा, क्या क्या गुफ्तगु हुई? आगाज से लेकर अब तक सब कुछ नए एडिशन में आना चाहिए। इसको आदि पढ़े या फिर पूर्णिमा पढ़े या कोई और ही पढ़े और कहे कि इस कहानी की तरह तुम्हारी जिंदगी में हो रही है, इसकी खबर रेलवे स्टेशन पर होनी चाहिए। समझ गए ना? वहाँ पहुँचते ही फोन कर देना। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। गायत्री, तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी के 20 स्टूडेंट जाने वाले हैं, फिर क्यों घबरा रही हो? आप मेरे साथ आ सकते थे ना। कल सुबह ही मेरा बहुत जरूरी मैच है। अच्छा तुम जो किताब कह रही थी वो लेकर आओ, मैं कोच से मिलकर आता हूँ। ओके, कोच नंबर S2 है। वाली मैगजीन दीजिए। लीजिए, रुकिए,